हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बच्चा लगातार पूछता है कि सर आप ये बता दीजिए कि टाइम लाइन क्या है, रिटर्न एग्जाम हो गया, रिजल्ट कब आएगा, SSB की डेट्स कब आएगी, SSB कब होगा, मेडिकल्स कब होंगे एंड अकेडमी कब ज्वाइन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी की कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, आप SSB की वेट कर रहे हैं। तो LWS SSB के बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, यू कैन एनरोल, सीट हमेशा लिमिटेड रहती है। जिस बच्चे का बाई चांस उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, रिटर्न की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड गेट द डिटेल्स। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले एग्जामिनेशन की जो हुआ है 1 सितंबर को, राइट? तो ये जो एग्जाम है बच्चे, इससे जो ज्वाइनिंग होनी है आपकी होगी 1 जुलाई 2025। ज्वाइनिंग कब है इसकी? सितंबर में एग्जाम हो गया 1 सितंबर को। आपके रिटर्न रिजल्ट की बात करें तो भाई साहब, जो रिजल्ट है आपका 15 से 20 दिन में आ जाना चाहिए, यानी कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस जिसका क्लियर हुआ है उसकी SSB की डेट आएगी। SSB की पहले पोर्टल पे मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर डेट्स आती हैं, लंबा प्रोसेस है SSB होने में। SSB का पोर्टल खुला रहता है फिर 15-20 दिन तक, राइट? तो 30 सितंबर हो गया, उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद आपकी SSB की डेट सिलेक्शन लिंक आएगा। फिर आप जो डेट सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपकी SSB होगी। जो डेट है वो वहां से 1 महीने दूर की भी हो सकती है, 2 महीने दूर की भी हो सकती है, 3 महीने दूर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा बोर्ड मिल रहा है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, आर्मी के पहले हो जाते हैं, एयरफोर्स के उसके बाद होते हैं, एंड सबसे लास्ट में नेवल के होते हैं। तो जिसकी फर्स्ट चॉइस नेवल होगी उसकी SSB मान के चलो कि जनवरी में जाकर आएगी, वहीं पे एयरफोर्स वालों की जो SSB होगी वो दिसंबर के आसपास आ जाएगी, आर्मी वालों की नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। ठीक है, पूरा जब आपके SSB कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ आपके मेडिकल्स चल रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके मेडिकल उस टाइम पर नहीं होंगे बिकॉज उनके बोर्ड वगैरह के एग्जाम होंगे, तो अगर उसके साथ साथ मेडिकल हो जाते हैं तो 15 से 20 दिन में मेडिकल हो जाता है आपका, फिर उसकी RMB वगैरह सब चलती है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाकर आती है बच्चे वो मई में आती है, और आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही होती है वो जून एंड में हो रही होती है, एंड अल्टीमेटली आपका जो कोर्स स्टार्ट होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। ये कंप्लीट टाइमलाइन है। आई होप आप जहां भी इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपको अपना क्लियरिटी ऑफ थॉट मिल गया होगा, अब आपको कोई और डाउट रहेगा नहीं। बिकॉज बहुत ज्यादा मैसेजेस थे कि सर ये बता दो ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में बता दिया। एंड आई विश यू बच्चे ऑल द बेस्ट, तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। मैंने सारे कोर्सेज के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या दिए हुए नंबर पर बातचीत कर लेना। जय हिंद, जय भारत।